सबके होते हुए भी दिल परेशान, दूरी का गम, लोगों में एहसास कमजोरी, लोगों की बेवफाइयाँ, लोगों के दर्द, लोगों की तकलीफें, लोगों के ताने ही मिले ना हम लोगों को। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिवर्टीमेंटो विद एवरीबॉडीज। नमाजों का अब सैलाब आने वाला है, पता चला है कि रमज़ान आने वाला है, अब मस्जिदों का दायरा बड़ा कर लो, बस एक माह का मुसलमान आने वाला है। एक अरसा हो गया है हम लोगों को गुनाहों की ज़िंदगी गुजारते गुजारते, क्या सुकून मिला है हम लोगों को, क्या कामयाबी मिली है आज तक। सब कुछ के होते हुए भी सुनसान, सब के होते हुए भी दिल परेशान, दूरी का गम, लोगों में एहसास कमजोरी, लोगों की बेवफाइयाँ, लोगों के दर्द, लोगों की तकलीफें, लोगों के ताने ही मिले ना हम लोगों को। जिन लोगों को खुश करने के लिए हम अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं, वही लोग हमारी ज़िंदगी को अजियत बना देते हैं। न जाने क्यों हमें अल्लाह की मोहब्बत नज़र नहीं आती, हमें अल्लाह का वो प्यार नज़र नहीं आता। यकीन करें, अल्लाह की मोहब्बत पूरी दुनिया में घूम रही है, है कोई उसको देखने वाला, है कोई उसको पुकारने वाला, है कोई उससे मांगने वाला, है कोई उसके सामने गिड़गिड़ाने वाला, है कोई उससे अपनी माफ़ी बख्शवाने वाला, है कोई इस दुनिया में उस रब्बुल कायनात की इबादत करने वाला, है कोई अपने दिल में उस रब का जिक्र करने वाला। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया पानी है, हम इस दुनिया में जो भी कर लें, लेकिन हमने मर के उस रब के पास ही जाना है। दोस्तों, आज हम इस दुनिया को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन हम ये भूल रहे हैं इस दुनिया में रब्बुल कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भेजने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था हमें कि हम इस दुनिया में आकर माल कमाएं, दौलत कमाएं और लोगों के साथ धोखा दही करें और लोगों का दिल दुखाएं। दोस्तों, इस दुनिया में आने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आखिरत की तैयारी करना है। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमें अपनी ज़िंदगियों में नसीब हुआ है और हम इस बाबरकत महीने को पा कर हम अपने आप को ना बख्शवा सकें तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है। फना इतना हो जाऊँ मैं अल्लाह तेरी मोहब्बत में, फना इतना हो जाऊँ ए अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में, जो मुझे देख ले उसे तुझसे मोहब्बत हो जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।